नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भोपाल में हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत में पार्टी कार्यकर्ता के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जन्मदिन आंगनबाड़ी में मनाओ, पिताजी की मृत्यु की तिथि है तो आंगनबाड़ी में मनाओ, शादी की सालगिरह भी आंगनबाड़ी में बनाओ, घर से बनाकर लाओ, इन बच्चों को खिलाओ, इससे आपको आनंद भी आएगा और इन बच्चों का कुपोषण भी कम होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की 5 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने पहले रांची, पटना, धारवाड़, केएसआर, बेंगलुरु और गोवा मुंबई को वर्चुअली लॉन्च किया। बाद में मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत भोपाल इंदौर और रानी कमलापति जबलपुर को झंडी दिखाई। ये दोनों ट्रेन एक साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रवाना हुई। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ये ट्रेनें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। प्रधानमंत्री भोपाल से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव और 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करने आए हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 543 लोकसभाओं के 10 लाख और मध्य प्रदेश के 6400 बूथ के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया। यहाँ सभी राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों से 3000 कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।